आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेंटन सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारे बेंटन के बारे में। तो अब आप लोग लग रहा होगा ज्यादा ज्यादा मैं 5 या 10 बेंटन के बारे में बताऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 25 से 30 बेंटन के बारे में। तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो का लाइक एम मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, जो कि सिर्फ 1500 लाइक एम है। इसलिए जल्दी से जाओ इस वीडियो को लाइक कर दो। अरे आपको ही बोल रहा हूँ यार, वीडियो को लाइक कर दो। तो अब आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप लोगों को मैं किसी बेंटन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज को क्लियर कर दूं कि इस वीडियो मैंने जितने बेंटन को लिया, मतलब जितने भी अल्टरनेट टाइमलाइन के बेंटन और जितने बेन है, उनको सभी को मैंने उनके एज के हिसाब से रखा है। तो वीडियो को हमारी सबसे छोटे बेंटन से शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें 4 साल वाला बेंटन देखने को मिलता है, जो कि हेक्स की वजह से 10 साल से 4 साल का बन गया था। और 4 साल के बेंटन ने अपने हीट ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हेक्स की बराबर वाट लगाई थी। उसके बाद हमें बेंटन ओमनीवर्स के फ्लैशबैक एपिसोड में हमें 5.5 साल के बेंटन को दिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम मिस्टर बॉबन से मिलता है और उनको बोलता है कि मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। और वो फर्स्ट टाइम जब बॉबन की शॉप में जाता है तभी उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, और तब से मिस्टर बॉबन बेंटन से हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें 10 ईयर्स का विदाउट ऑमनीट्रिक्स वाला बेंटन देखने को मिलता है, जो की एक नॉर्मल स्कूल बॉय होता है सर। बाद में कुछ देर बाद हमें क्लासिक सीरीज का वो पहला एपिसोड दिखाया जाता है, जहाँ से हमारे इस बेंटन की जर्नी बेसिकली शुरू हुई थी। तो बेंटन अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहा होता है और उसी के बीच हमें वो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है जिसकी वजह से तुमने बेंटन शो देखना शुरू किया था। बेन को एक टूटता तारा देखने को मिलता है और जब बेन उसके पास जाता है तो हमें देखने को मिलती है वो लेजेंडरी चीज ओमनीट्रिक्स। और फिर ठीक यहाँ से हमारे बेन की सुपर हीरो वाली लाइफ शुरू हो जाती है। बेन बहुत सारे विलन से फाइट करता है और अर्थ को काफी बार प्रोटेक्ट करता है, इसलिए जो गैलेक्टिक इन्फोर्सर की जो टीम होती है, जब वो लोग अर्थ पे आते हैं वल्केनर 66 को रोकने, तब वो लोग ने बेन को देखा था वहाँ पे। बेन के पास ओमनीट्रिक्स होती है और बेन उनके नजर में एक सुपर हीरो था, इसलिए बेन को वो लोग ने अपने टीम भी इन्वाइट किया टेम्पररी टाइम के लिए। और यार टेम्पररी टीम मेंबर बनने के बाद ही बेन ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी वल्केनर 66 को हराने में। और लास्ट में जब बेन को परमानेंट ऑफर मिला कि हाँ तुम हमारे टीम को ज्वाइन कर सकते हो, तो बेन ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उसने यार कहा कि मेरी ये टीम ही बहुत अच्छी है। उसके बाद बेन के लाइफ में सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा होता है और फिर एक ऐसा एपिसोड आता है जहाँ वो बेन एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर काफी सारे एल्फ्स होते हैं, और जब बेन उस जगह में जाता है तो उस जगह के श्राप की वजह से बेन भी एल्फ बन जाता है। बट यार इसी एपिसोड में हमने देखा था कि बेन ने लास्ट में इसका सॉल्यूशन निकाला और वो वापस से एल्फ से नॉर्मल ह्यूमन भी बन गया था। उसके बाद हमने एक ऐसा एपिसोड देखा था जहाँ बेंटन सुमो स्लैमर्स गेम के अंदर चला गया था और वो एक सामुराई बन गया था, और उस गेम से निकलने के लिए बेन को उस गेम के लेवल को अप करना पड़ता है। और लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि उसको अपना वो एलियन मिल जाता है जिसके वजह से वो गेम के अंदर गया था, और उसी एलियन की वजह से वो गेम से बाहर आ सकता है। और जब बेन को फाइनल उसका एलियन अपग्रेड मिल जाता है तो वो उसकी हेल्प से गेम से बाहर भी आ जाता है। और उसके बाद बेन की लाइफ फिर से वैसे ही चलने लग जाती है, पर ज्यादा टाइम तक नहीं। और फिर एक ऐसा एपिसोड आता है जहां हम लोग ये देखते हैं कि बेन के साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। मतलब यार बेन के साथ कुछ गलत होता ही नहीं है, सब कुछ बेन के साथ अच्छा होने लग जाता है। जैसे ऐसा बेन चाह रहा था सब कुछ बेन के हिसाब से ही हो रहा होता है, जब तक ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन ने एंटर नहीं किया था बेंटन के ड्रीम में। हाँ बेसिकली ये बेंटन का ड्रीम होता है जहां सब कुछ बेन के हिसाब से हो रहा होता है, और ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं था, ये इनोस से क्रिएट किया हुआ कोई ड्रीम था जिसके अंदर ही ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन जाते हैं। और जैसे ही वो लोग एंट्री करते हैं सब कुछ अलग सा ही हो जाता है। मतलब जैसे बेन के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था सब कुछ अब बुरा होने लग जाता है, और जब बेन के साथ सब कुछ बुरा हो रहा था तो बेन को कुछ भी समझ नहीं पड़ता है आखिर ये क्या हो रहा है। बट बाद में कुछ देर बेन को रियलाइज होता है, एक सेकंड ये तो मेरा ड्रीम है ना, तो इसमें सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसलिए उस ड्रीम में बेंटन अपने आप को परमानेंट तो नहीं पर टेम्पररी टाइम के लिए अल्ट्रा बेन बना लेता है, और या ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को अपनी पार्टनर बना देता है उनको सुपर हीरोज की पावर प्रोवाइड करके, और वो लोग सारे विलन्स की पिटाई करते हैं और बेंटन अपने माइंड का यूज करके उस इनोज के ड्रीम से बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें एक रेड टाइमलाइन के बेंटन को दिखाया जाता है, और ये हमें तब देखने को मिलता है जब बेंटन रेस अगेंस्ट टाइम मूवी आई थी, उसमें हमें बेन को दिखाया जाता है जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेंटन था। और इस मूवी में हमें इयॉन को भी दिखाया जाता है। इयॉन बेन की ओमनीट्रिक्स के मदद से हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को ऑन करना चाहता था क्रोनियन स्पीसीज को अर्थ पे लाने के लिए, और इस मूवी में कैसे ना कैसे करके ग्रैंडपा मैक्स और इन सब ने मिलकर इयॉन का प्लान को फ्लॉप कर दिया और उन्हें रोक लिया। और जब लास्ट बेन और इयॉन की फाइट हो रही थी तो बेन ने हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन के अंदर ही इयॉन को फेंक दिया था। उसके बाद हमने देखा था बेन को बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी में, जिसमें हम लोग देखते कि ग्वेन अपनी मैना का यूज करके अपग्रेड के ऊपर कुछ करती है जिसकी वजह से ओमनीट्रिक्स चीजों को अपलोड और डाउनलोड करने लग जाती है। और इस चीज को लेके इस मूवी में बहुत बड़े बड़े कांड हुए थे जो कि मैं आप लोग को इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली इस मूवी में बेन ने अजमत को एक इविल वेविक में बदल दिया था, और इविल वेविक और वेविक के पीछे बहुत तगड़ी वाली फाइट हुई थी इस मूवी में। बट यार टेंशन की बात नहीं है, बाद में इसमें सब कुछ ठीक हो जाता है और अजमत भी वापस से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हमें बेंटन ओमनीवर्स में काफी सारे फ्लैशबैक बेन देखने को मिलते हैं जिसमें बेन की एज सिर्फ 11 ईयर्स होती है। और यार हमें फ्लैशबैक स्टोरी में ही हमें ये पता चलता है कि बेन के पास एक फीडबैक नाम का एलियन होता है, और उस फीडबैक एलियन को ही मेलवेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि बेन का सबसे फेवरेट एलियन था। ये हमें बेंटन ओमनीवर्स ने पता
चलता है और स्पीडबैक एलियन के डिस्ट्रॉय होने के बाद ही बेंडिक्सन ने अपनी ऑमनेट्रिक्स को उतार के रख दिया था। उसके बाद हमें एक 13 इयर्स के अल्टरनेट टाइमलाइन के बेंडिक्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत अलग होता है हमारे प्राइम टाइमलाइन के बेंडिक्सन से। और इस रीजन की वजह से जो इसकी ऑमनेट्रिक्स होती है वो एक ब्लू थीम की ऑमनेट्रिक्स होती है। और ये बैन हमें तब देखने को मिलता है जब हमारा प्राइम बैन गलती से डायमेंशन 23 में आ जाता है और यार वहीं पर हमें ये बैन देखने को मिलता है। और इस अल्टरनेट बैन के बाद जो हमें ऑमनेट्रिक्स देखने को मिलती है वो बाहर का जो इसका स्ट्रक्चर है वो तो हमारे क्लासिक वाले ऑमनेट्रिक्स जैसा है, बट यार लगता है कि ये इन तीनों ऑमनेट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें एलियन फोर्स वाले भी एलियन है, ऑमनीवर्स वाले एलियन है और पता नहीं क्या क्या है यार। तो अब इस बैन को थोड़ा साइड रखते हैं और हमारे प्राइम टाइमलाइन में चलते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है 15 ईयर्स वाला बेंडिक्सन जिसकी यार एंट्री विदाउट ऑमनेट्रिक्स के साथ होती है। मैंने यार आप लोगों को बताया था ना कि बैन ने फीडबैक की वजह से ऑमनेट्रिक्स निकाल के रख दिया था, इसलिए एलियन फोर्स की स्टार्टिंग में बैन के पास ऑमनेट्रिक्स नहीं होती। और यार जैसे ही एपिसोड थोड़ा आगे बढ़ता है हमें इसी बैन के पास क्लासिक प्रोटोटाइप वाली वही पुरानी ऑमनेट्रिक्स देखने को मिलती है और इस बैन की एज 15 ईयर्स होती है। और हम लोग देखते हैं वापस से अर्थ पे एलियंस का अटैक चालू हो जाता है, इसलिए बैन को वापस से इस पुरानी अपने प्रोटोटाइप वाली ऑमनेट्रिक्स को ही पहनना पड़ता है। बट इस टाइम बैन की ऑमनेट्रिक्स काम नहीं करती है। बैन को ऐसा लगता है कि मैंने इतने टाइम से ऑमनेट्रिक्स यूज नहीं किया जिसकी वजह से ये खराब हो गई है और ये वर्क नहीं कर रही है। बट यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग ये देखते हैं कि जो बैन की ऑमनेट्रिक्स है वो रिकैलिब्रेट मोड में चल जाती है। और जब ऑमनेट्रिक्स रिकैलिब्रेट हो जाती है तो हमें ये अपडेटेड ऑमनेट्रिक्स देखने को मिलता है और यहाँ से बैन की एलियन फोर्स जर्नी शुरू हो जाती है। तभी इस एलियन फोर्स जर्नी में हमें बेंटन की एक मूवी देखने को मिलती है जो बेंटन एलियंस वॉर्म मूवी थी, जिसमें जो बैन की टीम होती है वो नैनो चिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जिसमें काफी बार हमने ये देखा कि बैन और नैनो चिप के बीच में फाइट भी हुआ। और इस मूवी के लास्ट में नैनो चिप क्वीन को दिखाया जाता है जिसकी साइज बहुत कम होती है और बैन के पास ऐसा कोई भी एलियन नहीं है जो इतना छोटा हो, इसलिए जो बैन की ऑमनेटिक्स होती है वो अपने हिसाब से एक एलियन को डिजाइन करती है और वो एलियन को वो बैन को देती है और उस एलियन की हेल्प से ही बेंटन इस नैनो चिप क्वीन को हराता है। और ये जो एलियन था ये नैनोमेक था जो कि हमें बेंटन के एनिमेटेड सीरीज में बेंटन अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया था, पर ये जो नैनोमेक एलियन है ये एलियन फोर्स का एलियन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा एपिसोड आता है जिसपे बैन के ऊपर एक संडर नाम का विलन अटैक करता है, उसको बैन की ऑमनेट्रिक्स चाहिए थी और वो अपने कुलाड़ी से बैन के हाथ पे अटैक करता है जिसमें बैन का हाथ और उसकी बॉडी दोनों ही अलग हो जाती है। बैन के जो हाथ रहता है वो अर्थ पर रहता है और जो बैन की बॉडी रहती है वो नल वॉइड में चल जाती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का केविन ट्राई करता है, वो एक मशीन बनाता है जिसको वो बैन के हाथ पर शूट करता है जिससे बैन यहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ नल वॉइड में चल जाता है। और ये तीनों मिलकर संडर से फाइट करने लग जाते हैं और जब संडर हारने लगता है तो ग्वेन उसकी कुल्हाड़ी को लेती है और बैन के हाथ पर अटैक करती है जिससे बैन का हाथ वापस आ जाता है और संडर नल वॉइड में चल जाता है बैन की हाथ के जगह। उसके बाद ये लोग नॉर्मल अपने लाइफ में बैक आ जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, ये लोग काफी सारे विलन से फाइट करते हैं। बट एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें यार एल्विडो और बिल गेट्स एक प्लान बनाते हैं ऑमनेट्रिक्स लेने का। वो लोग बैन के दोस्तों को पकड़ लेते हैं और वो लोग ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें बैन को फंसाते हैं। वो लोग यार बैन के सामने एक शर्त रखते हैं, या तुम अपने दोस्तों को बचाओगे या तो ऑमनेट्रिक्स, अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो मुझे अपनी ऑमनेट्रिक्स दे दो। और इसीलिए बैन टेंशन अपनी ऑमनेट्रिक्स बिल गेट्स को दे देता है और फिर वो अपने दोस्तों को बचा लेता है। तभी वहां पर ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और वो इन तीनों को बचा के वहां से लेके निकल जाते हैं। और फिर बैन एक प्लान बनाता है और वो बोलता है कि मैं यार बिल गेट्स के पास ऐसी ऑमनेट्रिक्स रहने नहीं दूंगा यार, मेरे पास एक प्लान है। और फिर सारे लोग बिल गेट्स के शिप पे जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि बैन टेंशन अपने ऑमनेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करके ऑमनेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है पूरे तरीके से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैन टेंशन एल्विडो के पास आता है जिसको बिल गेट्स ने पकड़ के रखा था, तो वो सबसे पहले एल्विडो को रिलीज करता है और वो उससे उसकी अल्टीमेट्रिक्स मांगता है, पर एल्विडो देने के लिए रेडी नहीं था इसलिए वो उसकी अल्टीमेट्रिक्स का भी सेल्फ डिस्ट्रक ऑन कर देता है और वो उसको अपनी ऑमनेट्रिक्स दिखाता है कि देखो मैंने अपनी वाली ऑमनेट्रिक्स का क्या हल किया और अब इस ऑमनेट्रिक्स का भी यही हल होगा। इसलिए एल्विडो डर के उसको अपनी अल्टीमेट्रिक्स दे देता है और यहाँ से शुरू हो जाती है बैन टेंशन की बेंटन अल्टीमेट एलियन की जर्नी। अब यार बेंटन अल्टीमेट एलियन में हमने बहुत कुछ देखा, बैन ने बहुत कुछ किया, जैसे कि उसने मैप ऑफ इन्फिनिटी के सारे टुकड़े को कलेक्ट करने से रोका था एग्रेगर को, बट ये चीज को वो कर नहीं पाया इसलिए वो लोग फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाते हैं जहाँ पर केविन ने बैन की ऑमनेट्रिक्स को एब्जॉर्व करके एग्रेगर को रोका था और वो एक म्यूटेंट मॉन्स्टर में बदल गया था। और यार ऐसे ही बहुत कुछ हुआ था बेंटन अल्टीमेट एलियन में। और फिर हम देखते हैं बेंटन अल्टीमेट एलियन के अंदर ही एक ऐसी मूवी आती है जिसमें बैन टेंशन एक दूसरे टाइमलाइन में चल जाता है और वो जो मूवी थी वो थी बेंटन जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बैन टेंशन एक दूसरे टाइमलाइन में आ जाता है और वो जो टाइमलाइन थी वो रेक्स की टाइमलाइन होती है। और यार जैसे ही बैन उस टाइमलाइन में आता है पहले रेक्स और बैन की बहुत तगड़ी फाइट होती है और उस फाइट के बीच में जो रेक्स की टीम रहती है वो बैन को पकड़ लेते हैं। वो लोग यार बैन को एक केज के अंदर पकड़ के रखते हैं और फिर बैन अपनी स्टोरी बताता है जिसपे कोई भी यकीन नहीं करता, इसलिए बैन बिक्चल बनके वहां से भाग जाता है। और फिर रेक्स और बैन की वापस फाइट शुरू हो जाती है जिसमें यार बैन काफी सारे इंसानों को बचाता है जिससे रेक्स को ये पता चल जाता है कि नहीं ये भी एक अच्छा इंसान है। और जब ये लोग बैन की पूरी बात समझते तो ये लोग बैन को बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे टाइमलाइन में जाने के लिए, पर बैन बोलता है कि मैं अब यहां से नहीं वापस जाऊंगा, मैं पहले तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और वो फिर रेक्स की मदद करता है और बैन और रेक्स दोनों मिलकर अल्फा को रोकने का ट्राई करते हैं। और इन फाइट के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि जो अल्फा होता है वो बैन की ऑमनेट्रिक्स को एब्जॉर्व करके उसकी कॉपी रेडी कर लेता है जिसको
को एयर एब्जॉर्ब करने के बाद अल्फा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बट इन दोनों ने अपनी पावर्स का यूज करके अल्फा को कैसे ना कैसे करके रोक लिया था एंड में। और जब बेन और रेक दोनों मिलकर अल्फा को हरा देते हैं तो बेन अपने टाइमलाइन में वापस आ जाता है। उसके बाद हमने बेंटन अल्टीमेट टेलर में काफी सारे ऐसे एपिसोड देखे जिसमें हमें डैगन के बारे में बताया गया था। डैगन के ऊपर हमें काफी सारे एपिसोड देखने को मिले जिसमें डैगन के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे और लास्ट में हम लोगों ने डैगन को भी देखा था। और इस डैगन की पावर को विलगैक्स एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बहुत पावरफुल हो जाता है और विलगैक्स को रोकने के लिए बेन टेंशन एस्केलन को लेता है और बेन एस्केलन का यूज करके विलगैक्स को हराता है। और सिर्फ विलगैक्स को हराता ही नहीं है बल्कि वो जितनी प्रॉब्लम थी जो कि डैगन और विलगैक्स ने फैलाई थी वो उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे डैगन ने सभी ह्यूमंस को एसोटेरिका में बदल दिया था तो बेन ने वापस से उनको ह्यूमन बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन के पास एस्मन आता है और वो उससे उसकी एस्केलन ले लेता है और वो बेन को बोलता है कि ये अल्टीमेट्रिक्स भी दे दो। तो बेन पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाता बट यार एस्मन बोलता है तुम पहले अपनी कलाई तो देखो। और जैसे ही बेन अपनी कलाई देखता है उसको एक नई ऑमनीट्रिक्स दिखाया जाता है जहां से बेन की ओमनीवर्स जर्नी भी शुरू हो जाती है। बट यार जैसे ही बेंटन ओमनीवर्स की जर्नी शुरू होती है हमको सैड कर दिया जाता है ग्वेन और केविन को बेन से अलग करके। बट यार ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेंटन ओमनीवर्स के अंदर ही बेन को एक नया पार्टनर मिल जाता है जिसका नाम रुक होता है। और यार रुक के साथ ही हमें बेन की पूरी ओमनीवर्स जर्नी को दिखाया जाता है जहां पर बेन की बहुत सारी फ्लैशबैक स्टोरी को कम्प्लीटली सिर्फ नहीं किया यहां पर हमें बहुत सारे न्यू एलियंस और पावरफुल विलन्स को भी दिखाया गया। और यार अल्टरनेट टाइमलाइन को बहुत अच्छी तरीके एक्सप्लेन भी किया गया है। और यार अल्टरनेट टाइमलाइन से मुझे ये याद आया कि हमें बहुत सारे बेंटन ओमनीवर्स में अल्टरनेट बेन को भी तो दिखाया गया है। तो बेंटन ओमनीवर्स के अंदर जो हमें सबसे पहले एक डिट्टो हमारे ही बेन के जैसा दूसरे टाइमलाइन का बेंटन देखने को मिलता है जिसका नाम बैड बेन होता है। तो अब आप लोग इसके नाम से पता चल गया होगा कि आखिर ये कितना बुरा बेन है। तो मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और सिर्फ हमें यही बेन को नहीं दिखाया गया हमें और बहुत सारे अल्टरनेट बेन को भी दिखाया गया था। तो उसमें से ही हमें एक इस वाले बेन को दिखाया गया जो कि एक नेगेटिव बेन होता है और इसीलिए इसका नाम नेगा बेन होता है और ये एक ब्लैक थीम वाला बेन टेंशन होता है। और यार उनके साथ ही हमें एक अल्टरनेट ज़ॉम्बी बेन को भी दिखाया जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी होता है और इसके पास भी ओमनीट्रिक्स होती है और ये भी हमें उन बुरे बेन के साथ देखने को मिला। और यार जब इतने सारे बेन को दिखाया जाता था तो उनके साथ ही हमें एक ऐसे बेन को दिखाया जिसके पास ओमनीट्रिक्स नहीं होता जिसको यार नो वॉच बेन बोलते हैं और इसकी सारे अच्छे वाले बेन टेंशन मदद कर रहे थे। अब यार कोई भी इस अल्टरनेट बेन को मत भूल जाना, हाँ मैं ये वाले बेन की बात कर रहा हूँ। अब इस बेन को भी इनके साथ ही दिखाया गया था बट इस पे दो सेपरेट एपिसोड बने गए थे जिसमें यार हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा प्राइम बेन और जो बेन 23 था ये दोनों ही इस बेन के टाइमलाइन में जाते हैं और ये जो बेन होता है इसका नाम मैड बेन होता है। और जब हमारे बेन इसके टाइमलाइन में आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ये अपने पावर्स का गलत यूज कर रहा है। ये यार मासूम लोगों से काम कराता है उस फालतू से मैट्रॉन के हेड की को ढूंढने के लिए। और फिर क्या था, जो हमारे दोनों ही अल्टरनेट बेन थे वो सिर्फ इस बेन को सबक ही नहीं सिखाते हैं बल्कि वो सारे मासूम लोगों को इस बेन के कैद से भी छुड़ाते हैं और इस बेन को उस कैद में डालते हैं। और यार उसके बाद हमें 30 साल के फ्यूचर बेंटन 1000 को दिखाया जाता है जो कि यार बहुत ही एटीट्यूड वाला बेन टेंशन होता है जिसको सही करने के लिए जो फ्यूचर वाली ग्वेन होती है वो पास्ट में जाती है और वो 10 साल वाले ग्वेन और बेन को वापस से फ्यूचर में लेके आती है। अब यार ये जो हमारा 10 साल वाला बेन टेंशन है जब ये बेंटन 1000 को दिखता है तो ये पहले तो बहुत खुश होता है और ये इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ये बोलता है अगर मैं फ्यूचर में तुम्हारे जैसा बनूंगा तो मैं बड़ा ही नहीं होना चाहता। अब यार ये जो बेंटन 1000 होता है पहले तो ये इस बेन की बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और फिर बाद में ये जो बेन होता है ये उसकी बात को समझता है और ये अपने फैमिली को भी टाइम देता है। ये जो बेन था ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड था जो कि पूरा फोकस अपने काम को ही देता रहा और ये फैमिली को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता था। इसलिए जो येलो बेन था इसने अपने काम को अपने साइड में रखा और अपने फैमिली को भी इंपॉर्टेंस दिया था। उस वाले एपिसोड में हमें कुछ ऐसा दिखाया गया था। और यार हमें एक और फ्यूचर बेंटन 1000 को बेंटन अल्टीमेट टेलर में दिखाया जाता है जिसकी एज 36 इयर्स होती है जिसमें यार हम लोग ये देखते हैं कि क्लॉकवर्क की हेल्प से इयोन की जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले अपने टाइमलाइन से सॉल्व करता है, वो इयोन को अपने टाइमलाइन से इरेज कर देता है और वो फिर अपने प्राइम टाइमलाइन में आता है और वो अपने बेन की भी हेल्प करता है इयोन से फाइट करने में। हमने इस एपिसोड में देखा था कि इयोन ने अपनी पावर का यूज करके कैसे प्राइम बेन की काफी सारे एलियंस को खत्म किया था। बट फिर उसी एपिसोड में हम लोग ये देखते हैं कि बेंटन जेटरे का यूज करके जो हैंड्स ऑफ आर्मगेटन था इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और लास्ट में जो बेंटन 1000 होता है वो सारे डिस्ट्रॉय हुए एलियंस को वापस से ले आता है उसके अल्टीमेट्रिक्स में। उसके बाद हमें एक और फ्यूचर बेंटन 1000 को दिखाया जाता है जिसमें उसकी एज 42 इयर्स होती है और उसमें फर्स्ट टाइम हमें बेन के बेटे केन को दिखाया जाता है और ये चीज हमें बेंटन क्लासिक में देखने को मिलता है जिसमें बेन के बेटे केन का बर्थडे होता है और बेन अपने बेटे को प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स गिफ्ट करता है और फिर दोनों मिलकर एलियन से फाइट करते हैं। और ठीक हमें उसी एपिसोड में केविन को भी दिखाया जाता है और केविन ने ग्रैंडपा मैक्स और उसके बेटे केन को पकड़ के रखा था और फिर उसकी और बेंटन 1000 की बहुत फाइट होती है और लास्ट हम लोग ये देखते हैं कि केविन के बेटे डेविलिन ने उसके ऊपर नल वॉइड एग फेंक दिया था जिसकी वजह से वो उस एग के अंदर आ जाता है और फिर उस नल वॉइड एग को केविन और ग्रैंडपा मैक्स उठाते हैं और केविन को नल वॉइड के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद हमें बेंटन ओमनीवर्स में भी एक बेंटन 1000 देखने को मिलता है जिसके पास दो ओमनीट्रिक्स होती है और यार ओमनीट्रिक्स काफी सारे एपिसोड में हमने इसका कमाल भी देखा है। इसने यार अपने फ्यूजन एलियन का यूज करके सिर्फ एलियंस को ही नहीं हराया बल्कि इसने अपने एलियन का यूज करके रुक और बेन के लिए टाइम साइकिल बनाया था और इस बेंटन 1000 ने ही सारे बुरे बेन से फाइट करने में नोवोच बेन का साथ भी दिया था।
था। और यार इस बेंटन 1000 ने बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद इस वीडियो का जो लास्ट बेंटेंशन आता है वो है ये, जो कि इस वीडियो का लास्ट बेंटेंशन है। अब यार इयोन को मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इयोन की एग्जैक्ट एज मेरे को नहीं मालूम कि इसकी एग्जैक्ट एज कितनी है, बट ये एक बुरा बेंटेंशन है जिसने ना जाने कितने बार कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है। टाइम में इसने बहुत सारे गड़बड़ की है जिसको फिक्स प्रोफेसर पैराडॉक्स करते हैं, और इस इयोन की वजह से वैसे हमने बहुत सारे अल्टरनेट बैंड को भी देखा था। तो यार भले ये एक बुरा बैंड है पर इसकी वजह से हमने इतने सारे अल्टरनेट बैंड को देखा। और यार इससे ज्यादा मेरे को इयोन के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इयोन के बारे में आप सब जानते हो यार। तो अब यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की ये वीडियो, और यार सच बता रहा हूँ यार बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, तो एक लाइक कर देना मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए। और यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी आप सभी लोगों से है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो इसलिए क्योंकि यार हम लोग बहुत क्लोज है 150K सब्सक्राइबर के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज 150K की फैमिली को कंप्लीट कर दो यार। तो अब जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया मुझे कमेंट से बताना कि हाँ भाई मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और हाँ मुझे ये भी बताना कि आप लोग को इन सभी बैंड में सबसे अच्छा कौन सा बैंड लगता है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को यही बोलूंगा, अगर आपने इस राइट वाले वीडियो को नहीं देखा जिसमें यार मैंने इन सारे बैंड की सारी ऑमनेट्रिक्स के बारे में बताया है, तो इस वीडियो पे जाओ, इस वीडियो को क्लिक करके देखो यार। और यार अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना, इसमें यार डेफिनेटली आप लोग को बैंड में कुछ न्यू देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को देख सकते हो आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।